वहीं हरियाणा में पिछले 1.5 साल से लंबित चल रहे पंचायत चुनाव को सितंबर महीने में कराने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को कहा गया है कि 30 सितंबर तक प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाए जाएं। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अंबाला में जेजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने अंबाला में कार्यकारिणी की बैठक की। इस बैठक में पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निशांत सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर जेजेपी की तैयारी पूरी है, पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। वहीं हरियाणा में पुलिस विभाग के लिए नई गाड़ियों की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 18 मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस विभाग के लिए नई गाड़ियां खरीद को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान करीब 1000 करोड़ की परचेज को मंजूरी दी गई है। वहीं सिरसा के गांव सुचान में दो पक्षों में विवाद हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की 3 गाड़ियों के शीशे टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पुलिस को 9 बाइक बरामद हुई है। वहीं पलवल के असावटी गांव में 47 साल के आरएमपी डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया। हत्या की इस वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसके चलते पहले डॉक्टर के साथ मारपीट की और गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक लापता मेटल व्यापारी के लेनदेन के चलते गला घूंटकर हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय मंगत अरोड़ा मेटल व्यापारी पिछले एक हफ्ते से लापता थे। उसका शव मेटल भट्टी के मिट्टी के नीचे दबा मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है।